फ्रेंड्स, पजल की सीरीज का आज पार्ट 4 है। आज की इस पजल में हम लोग 3 टाइप्स वेरिएबल पजल को सॉल्व करेंगे। ये आज मॉडरेट लेवल को मैंने लिया है और आगे मैं हार्ड लेवल को भी लूँगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, और अगर आप लोगों के पास अच्छे पैटर्न के, न्यू पैटर्न के पजल हैं तो आप लोग हमें उसे मेल कर सकते हो। मेल आईडी मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। उससे पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो के एंड में आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था, डायरेक्शन बेस्ड था। तो इसका जो आंसर है वो है नॉर्थ वेस्ट। सी जो है वो ए की रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 7 पर्सन है, सबके नेम यहाँ पे गिवन है, अलग अलग फ्लोर पे ये लोग रह रहे हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग इज नंबर 1, जो सबसे नीचे फ्लोर है वो नंबर 1 है, उसके ऊपर नंबर 2 आएगा और सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट पे है वो आएगा नंबर 7। ईच वन ऑफ देम ऑल्सो हैव डिफरेंट कलर कार्स, ब्लू, पिंक, रेड, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक एंड येलो। तो सबके पास डिफरेंट कलर की कार हैं, सबके नेम यहाँ दे रखे हैं। एंड ऑल ऑफ देम वेंट टू टूर ऑन डिफरेंट डेज ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। और सब लोग अलग अलग टूर पर जा रहे हैं मंडे से लेके संडे तक। अगर गिवन है ए लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 3। ए जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है लेकिन 3 पर नहीं है। जब 3 पर नहीं है तो कई पॉसिबिलिटी हैं उसकी, नंबर 1 पे भी हो सकता है, नंबर 5 पे भी हो सकता है, नंबर 7 पे भी हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ए के सामने लिख लेंगे ऑड, राइट का टिक लगा लेंगे। आगे लिख लेंगे कि ए 3 पर नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस का टिक लगा लेंगे, ए जो है वो 3rd फ्लोर पे नहीं आ रहा है। आगे गिवन है ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन डी एंड द वन हु हैज़ पिंक कार। तो सिर्फ 2 पर्सन बीच में आएंगे उसके, जिसके पास पिंक कलर की कार है एंड जो डी है, राइट। तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे डी एंड पिंक के बीच में 2 का स्पेस दे देंगे। राइट का टिक नहीं लगाएंगे बिकॉज हमें कन्फर्म नहीं है कि ये इसी कंडीशन में आएंगे या फिर नहीं। आगे गिवन है द वन हु हैज़ येलो कार लिव्स इमिडिएटली अबव सी। वो पर्सन जिसके पास येलो कलर की कार है वो तुरंत ऊपर रह रहा है सी के। तो इसको भी हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, येलो और नीचे सी लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग राइट का टिक लगा लेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये सेम कंडीशन में आएंगे। द वन हु हैज़ पिंक कार वेंट टू टूर ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर थर्सडे। वो पर्सन जिसके पास पिंक कलर की कार है वो थर्सडे से पहले जा रहा है। थर्सडे से पहले आते हैं मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मतलब जो पिंक कलर की कार है वो इन 3 डेज में से किसी एक दिन में टूर पे जाएगी। तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे पिंक कलर लिखेंगे, इसके आगे डेज लिख देंगे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ओके, द वन हु हैज़ रेड लिव्स ऑड नंबर फ्लोर अबव डी। वो पर्सन जिसके पास रेड कलर की कार है वो डी के फ्लोर के ऊपर अबव ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा, राइट। तो इसको भी हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, डी के अबव जो फ्लोर आएंगे उनमें से किसी ऑड पर रेड आएगा, इमिडिएटली अबव नहीं है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे गिवन है बी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव ई। बी जो है वो ई के ऊपर आएगा, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। बी को ऊपर लिखेंगे, ई को नीचे लिखेंगे, राइट का टिक लगा लेंगे बिकॉज ये कन्फर्म है। आगे ओनली 3 पर्सन्स लिव बिटवीन सी एंड द वन हु हैज़ रेड कार। सिर्फ 3 पर्सन आएंगे बीच में सी के एंड जिसके पास रेड कलर की कार है। इसको भी यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, रेड एंड 1, 2, 3 का गैप देके सी, राइट का टिक नहीं लगाएंगे, मेंशन नहीं है। द पर्सन हु वेंट टू टूर ऑन फ्राइडे हैज़ ऑरेंज कार। वो पर्सन जो कि फ्राइडे को टूर पर जा रहा है उसके पास ऑरेंज कलर की कार है। तो इसको हम यहाँ पे पॉइंट बनाने की जगह एक टेबल बना लेंगे कुछ इस तरीके से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डेज को लेके, और जितनी भी चीज़ें हमारी डेज की अकॉर्डिंग फिक्स हो रही है उनको हम इस चार्ट में या इस टेबल में फिक्स करते जाएंगे, राइट। तो फ्राइडे पर जो पर्सन टूर पर जा रहा है उसके पास ऑरेंज कलर की कार है तो फ्राइडे के आगे हम लिख लेंगे ऑरेंज कुछ इस तरीके से। आगे गिवन है द वन हु हैज़ ऑरेंज लिव्स इमिडिएटली अबव द वन हु हैज़ वाइट कार। वो पर्सन जिसके पास ऑरेंज कलर की कार है वो तुरंत ऊपर है उस पर्सन के जिसके पास वाइट कलर की कार है। तो उसको नोट डाउन कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से, ऑरेंज ऊपर आ जाएगा एंड उसके नीचे आ जाएगा वाइट, राइट। राइट का यहाँ पे टिक लगा लेंगे ताकि कन्फर्म हो जाए। आगे गिवन है जी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। जी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है तो ऑड नंबर काफ़ी है, यहाँ पे 1, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है एंड 7 भी हो सकता है। तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे जी के आगे लिख लेंगे हम लोग ऑड। आगे गिवन है ई डज नॉट हैव येलो कार। ई के पास येलो कलर की कार नहीं है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ई येलो और आगे लगा देंगे क्रॉस बिकॉज इसके पास नहीं है। डी वेंट टू टूर ऑन संडे। डी जो है वो संडे को टूर पर नहीं जा रहा है,
सॉरी डी वेंट टू टूर ऑन संडे, डी जो है वो संडे को टूर पे जाएगा, मतलब संडे के आगे हम यहाँ पे लिख देंगे डी, राइट। आगे गिवन है ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन बी एंड ई, सिर्फ एक पर्सन बीच में आएगा बी के एंड ई के। तो यहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा था कि बी जो है वो ई के अबव फ्लोर पे रहेगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि कितने अबव होगा। यहाँ पे अब ये कंफर्म हो चुका है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक पर्सन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक डैश बना देते हैं और अलग से हमें पॉइंट बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आगे गिवन है द वन हु हैज़ पिंक कार लिव्स इमिडिएटली अबव ए, वो पर्सन जिसके पास पिंक कलर की कार है वो तुरंत ऊपर रहेगा ए के फ्लोर के, राइट। तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे पिंक ऊपर और ए नीचे, और जस्ट इमिडिएटली अबव है तो इसको हम यहाँ पे राइट का टिक लगा लेंगे, ओके। आगे गिवन है नेदर सी नॉर ए हैव ब्लू कार, ना ही सी और ना ही ए, दोनों के पास ब्लू कलर की कार नहीं है। इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, सी और ए लिखेंगे, आगे ब्लू लिख के यहाँ पे हम लोग क्रॉस लगा देंगे, राइट। द वन हु वेंट टू टूर ऑन वेडनेसडे इमिडिएटली आफ्टर द वन हु ओन्स रेड कलर कार, राइट। तो वो पर्सन जो वेडनेसडे को टूर पर जा रहा है वो तुरंत बाद में जा रहा है उस पर्सन की जिसके पास रेड कलर की कार है। जब वेडनेसडे वाला बाद में जा रहा है मतलब इससे पहले, यानी कि ट्यूसडे को टूर पर रेड कलर की कार जाएगी, राइट। तभी तो वेडनेसडे वाला इसके जस्ट बाद में जा रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर होता है कि जो ट्यूसडे पर टूर, जो पर्सन ट्यूसडे को टूर पर जा रहा है वो रेड कलर की कार में जाएगा, तो यहाँ पर हमें रेड का डे मिल जाएगा, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे गिवन है द वन हु हैज येलो कार वेंट टू टूर इमिडिएटली बिफोर द वन हु लिव्स इन फ्लोर नंबर थ्री, वो पर्सन जो येलो कलर की कार में जा रहा है या जिसके पास येलो कलर की कार है वो तुरंत पहले जाएगा उस पर्सन के जो थर्ड नंबर फ्लोर पे जाए, मतलब वो पर्सन जिसके पास येलो कलर की कार है वो तुरंत थ्री नंबर फ्लोर पर जो पर्सन है उसके पहले जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान रखना यहाँ पे फ्लोर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डेज की। जो येलो कार की टूर पे जाएगी वो तुरंत पहले जाएगी थर्ड फ्लोर टूर से पहले, तो इसको हम यहाँ पे राइट का टिक लगा लेंगे। आगे गिवन है देयर आर टू पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर नंबर फोर एंड द पर्सन हु वेंट टू टूर ऑन वेडनेसडे, तो दो पर्सन का गैप आएगा फोर नंबर फ्लोर में एंड जो पर्सन वेडनेसडे को जा रहा है उसमें, तो उसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। राइट का टिक नहीं लगाएंगे बिकॉज मेंशन नहीं है। आगे गिवन है द वन हु वेंट टू टूर ऑन वेडनेसडे इज नॉट सी, वो पर्सन जो वेडनेसडे को जा रहा है वो सी नहीं है, तो यहाँ पर हम इसके आगे ही लिख सकते हैं कि वेडनेसडे को सी नहीं आएगा, बट इसका ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, एक भी स्टेटमेंट हमारे पूरे पजल को खराब कर सकती है। तो अब इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने टेबल बनाई है, यहाँ पे मैंने फ्लोर लिखे हैं, यहाँ पे मैं पर्सन के नेम लिखूंगी, यहाँ पे हम कलर लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग डेज लिखेंगे। तो जब भी आप थ्री टाइप वेरिएबल या फोर टाइप वेरिएबल पजल को बनाते हो तो एक बात का ध्यान रखना, सारे वेरिएबल कभी भी साथ में मत लो, सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो वेरिएबल को साथ में लो। तो यहाँ पे देखो पर्सन को लेकर हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम पर्सन को फिक्स करें एंड उसके संग हम कलर को ले सकते हैं, दो वेरिएबल आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी पर्सन और कलर को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन दो लोगों की जब हम लोग कंडीशन फिक्स कर लेंगे उसके बाद हम लोग डेज पर आएंगे। तो देखते हैं पर्सन एंड कलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ए से। ए जो है वो ऑड पर आएगा, राइट, बट थर्ड नंबर फ्लोर पे नहीं आएगा, तो ए आ सकता है फ्लोर नंबर वन पे, राइट, फाइव पर भी आ सकता है एंड सेवन पर भी आ सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी को कट करने के लिए हम लोग इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ साथ में लेंगे। तो ए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर गिवन है कि जो पिंक है, पिंक कलर की कार जो है वो तुरंत ए के ऊपर आएगी, राइट। तो यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट फ्लोर को ए दिया है तो पिंक कलर की कार आ जाएगी सेकेंड पर कुछ इस तरीके से, थर्ड नंबर पर ए नहीं आएगा, उसके बाद आता है ऑड नंबर फाइव, ओके। तो यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ ऑड नंबर फाइव पर ए का फ्लोर एंड इसके ऊपर ले लेते हैं हम लोग पिंक, और कोई कंडीशन ए की नहीं बनेगी बिकॉज थ्री पर तो वो आएगा नहीं, एक वन का हम लिख चुके हैं एंड सेवन पर इसलिए नहीं आएगा, अगर हम सेवन को देंगे तो उसके ऊपर पिंक आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो इन पॉइंट का हम लोग यूज़ कर चुके हैं तो इसको हम कट कर देंगे ताकि अदर पॉइंट को ढूंढने में हमें दिक्कत ना हो। अब पिंक ए से रिलेटेड पॉइंट को हम यहाँ पे ढूंढेंगे बिकॉज ये फिक्स हैं, तो पिंक एंड डी में दो का डिफ है, ये पॉइंट हमें दे रखा है, तो देख लेते हैं। पिंक से हम लोग दो फ्लोर काउंट कर लेते हैं, तो वन एंड टू, डी आ जाएगा फाइव पे,
यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं तो पिंक से 1 एंड 2 डी आ जाएगा नंबर 3 पे। ओके इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। इससे रिलेटेड पॉइंट को हम लोग देखते हैं डी पिंक एंड ए से। तो डी से रिलेटेड पॉइंट ऊपर दे रखा है, डी के ऊपर ऑड में रेड आएगा। ओके तो इस कंडीशन में देखते हैं तो डी से ऊपर जो ऑड फ्लोर है वो है 7, तो रेड आ जाएगा यहाँ पे 7 पे। राइट इस कंडीशन में देखते हैं तो डी के अबव 5 भी ऑड है एंड 7 भी ऑड है, तो दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, लेकिन हम ऑलरेडी दो पॉसिबिलिटी ले चुके हैं इसलिए हम लोग इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे। तो रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो रेड से रिलेटेड एक पॉइंट गिवन है कि रेड एंड सी के बीच में 3 फ्लोर का डिफरेंस आएगा। तो अब देखते हैं अगर मैं रेड 7 नंबर पर लेती हूँ तो 1, 2 एंड 3 का गैप करके सी आना चाहिए फ्लोर नंबर 3rd पे, बट यहाँ पे तो डी फिक्स है, मतलब जो रेड है वो 7 पे नहीं आएगा। उसके बस की सेकेंड पॉसिबिलिटी जो बनती है रेड की वो आती है 5 पे। तो हम रेड यहाँ लिख देते हैं और यहाँ से हम लोग सी को काउंट करते हैं तो देखते हैं 1, 2 एंड 3 सी आ जाएगा नंबर फ्लोर नंबर 1 पे। ओके इसमें भी हम लोग काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पे रेड 7 नंबर पे है तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर सी का जगह खाली है इसलिए यहाँ पे सी आ सकता है। ओके इसको हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं बिकॉज इसका हम यूज़ कर चुके हैं, इसको भी हम कट कर लेते हैं। अब इससे कनेक्टेड पॉइंट को देखते हैं सी डी ए रेड पिंक से। तो सी से रिलेटेड पॉइंट गिवन है कि सी के जस्ट ऊपर येलो कलर की कार आएगी, तो सी के जस्ट ऊपर येलो कलर की कार के लिए स्पेस गिवन है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं येलो। मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ उसको कुछ इस तरीके से। एंड इसके ऊपर भी हम लोग येलो लिख लेते हैं कुछ ऐसे। ओके इसको हम यहाँ पे कट के अब इससे रिलेटेड पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो आई थिंक डी सी ए से रिलेटेड पॉइंट और कोई गिवन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग अभी भी इसमें उन पॉइंट्स को ढूंढिए जो पर्सन और कलर से रिलेटेड हो। डेज पर हमें अभी जाना नहीं है, अदरवाइज कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट होंगी। तो देखते हैं पर्सन के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो बी एंड ई की जो कंडीशन है वो ये गिवन है कि बी जस्ट ऊपर आएगा ई के और ए का गैप आएगा। एंड ई के लिए एक पॉइंट यहाँ पर और गिवन है कि ई को येलो कलर की कार नहीं मिलेगी, तो इसको हम लोग फिक्स करते हैं। तो बी को अगर मैं 7 फ्लोर देती हूँ तो एक का गैप करके ई आना चाहिए 5 पे, बट यहाँ पे डी फिक्स है यानी कि बी जो है वो 7 पे नहीं आएगा। 6 पर चेक करते हैं, अगर बी मैं 6 को देती हूँ तो इसका एक का गैप करके ए आना चाहिए 4 पे, बट यहाँ पे तो येलो कलर की कार है और जबकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ई को येलो नहीं मिलेगा, मतलब 6 पर भी बी नहीं आएगा। 3rd पॉसिबिलिटी बनती है बी की 4 नंबर फ्लोर पे, तो अगर मैं बी को 4 नंबर फ्लोर देती हूँ तो एक का गैप करके 2 नंबर फ्लोर पे ई आ सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फिक्स हो सकती है, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इस कंडीशन में भी देख लेते हैं, तो बी को अगर 7 देंगे तो 1 का गैप करके 5 नंबर पे नहीं आएगा, और बी को अगर 6 देंगे तो 5 का गैप करके यहाँ पर ई आ सकता है। राइट एंड अगर मैं 4 नंबर को देती बी, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, तो 1 का गैप करके ई आता सेकेंड नंबर पे, जबकि सेकेंड नंबर पे येलो फिक्स है और ई को येलो नहीं मिलेगा, इसलिए बी की यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी 6 नंबर फ्लोर की। इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं बिकॉज इसका हम यूज़ कर चुके हैं, एंड इस पॉइंट को भी कट कर देते हैं। आगे गिवन है जी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो यहाँ इस कंडीशन में जी के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 7 नंबर फ्लोर की, बिकॉज जो 6 बचा है वो इवन है। इस कंडीशन में भी जी के लिए सिर्फ 7 नंबर की पॉसिबिलिटी है। रेस्ट आपके लिए जो पर्सन बचा है वो है एफ और एक ही जगह बची है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इस तरीके, एंड इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, इसका हम यूज कर चुके हैं। अब कलर्स को लेते हैं, कलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ऑरेंज एंड व्हाइट की जगह खाली है, देखो जो स्टेट फिक्स हो उनको पहले उठाया करो। यहाँ पे ऑरेंज एंड व्हाइट जो हैं वो फिक्स हैं और वो ऐसी प्लेस पर आएंगे जहाँ पर दो फ्लोर एक साथ खाली हो। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे फर्स्ट कंडीशन में यहाँ दो फ्लोर फ्री हैं वो हैं 6 एंड 5, तो हम लोग 6 लिख देंगे ऑरेंज, बिकॉज ऑरेंज आएगा ऊपर एंड इसके नीचे हम लोग लिख देंगे व्हाइट। ओके इस कंडीशन में भी देख लेते हैं जो हमारी सेकंड कंडीशन है। तो यहाँ पे ऑरेंज एंड वाइट के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली है 4 एंड 3 फ्लोर, तो 4 नंबर पे आ जाएगा ऑरेंज बिकॉज ऑरेंज ऊपर आ रहा है, यहाँ पे हम ऑरेंज एंड इसके नीचे हम लोग लिख देंगे वाइट, तो ये दोनों साथ साथ आएंगे कुछ इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं।
कलर्स और भी कलर को देख लेते हैं, कलर के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो पिंक जो है वो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को नहीं आएगा, तो ये तो डे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं कलर्स की ओर। तो सी एंड ए के बारे में गिवेन है, सी और ए जो है उनको ब्लू कलर की कार नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे सी एंड ए सिर्फ दो ही बचे हैं, मतलब ब्लू कलर की कार या तो हमें सी को देनी पड़ेगी या फिर ए को देनी पड़ेगी, जबकि मना है कि सी एंड ए दोनों में ब्लू कलर की कार नहीं आएगी। मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इसलिए ये इस पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे, ये नहीं बनेगी। इस स्टेटमेंट में देखते हैं तो सी एंड जी, इसमें सी को ब्लू तो नहीं देंगे हम, मतलब यहाँ पर जी को ब्लू मिलेगा, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर फॉलो हो रही है इस स्टेट। रेस्ट हमारा कलर बचता है ब्लैक, तो ब्लैक मिल जाएगा सी को, ओके okay? तो इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं, इसका यूज़ कर चुके हैं। अब आते हैं डेज पर। तो डेज पर सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को फिक्स करेंगे जो हमारे ऑलरेडी फिक्स हैं, जो कि हमने यहाँ पे टेबल में लिख रखे थे कि रेड जो है वो ट्यूसडे वाले दिन टूर पर जाएगा। तो रेड के आगे हम पहले लिख देते हैं ट्यूसडे, जो चीज़ें फिक्स हैं हम पहले उनको फिक्स कर देते हैं। फिर आ जाता है फ्राइडे। फ्राइडे को जो पर्सन टूर पर जाएगा उसके पास ऑरेंज कलर की कार है, तो ऑरेंज के आगे हम लिख देंगे फ्राइडे, कुछ इस तरीके से। आगे गिवन है डी, जो पर्सन डी है वो संडे को टूर पर जाएगा, तो डी के आगे हम लोग लिख देंगे संडे। तो ये फ़ायदा होता है इस टेबल को बनाने का, ताकि पॉइंट्स को बार बार ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही जगह हमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस टेबल का भी हम यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और गिवन है यहाँ पे कि सी जो है वो वेडनेसडे जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सी के फ्लोर के आगे कि यहाँ पे वेडनेसडे नहीं आएगा, ताकि हम लोग इसे ना भूलें। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे कट का मार्क लगा देते हैं। आगे देखते हैं येलो पर्सन का, जो येलो कार का जो पर्सन है वो तुरंत पहले जा रहा है उस पर्सन के जो थर्ड फ्लोर पे रहता है, राइट। तो देखते हैं थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है। थर्ड फ्लोर पे है डी, एंड वो जा रहा है संडे को, संडे से जस्ट पहले आता है सैटरडे। मतलब येलो कलर की कार का जो पर्सन है वो जाएगा सैटरडे को, तो येलो के आगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सैटरडे, कुछ इस तरीके से। एंड इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। रेस्ट हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट बचे हैं, तो इन पॉइंट का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फोर एंड वेडनेसडे में दो का डिफरेंस आएगा, तो फोर से अगर मैं नीचे की तरफ वेडनेसडे को काउंट करती हूँ तो वन एंड टू वेडनेसडे आना चाहिए फर्स्ट नंबर फ्लोर पे, बट अभी अभी हमने पढ़ा है कि सी को वेडनेसडे नहीं मिलेगा, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी कैंसिल। ऊपर की तरफ हम लोग चेक कर लेते हैं फोर से, तो वन एंड टू वेडनेसडे आ जाएगा सेवन नंबर फ्लोर पे, राइट। तो इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। लास्ट हमारे पास बचा है पिंक कलर की, जिसके पास कार है वो मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे में से किसी एक दिन जाएगा। तो वेडनेसडे का हम यूज़ कर चुके हैं, ट्यूसडे का भी हम यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पे बचा है सिर्फ मंडे, तो मंडे लिख देंगे इसके आगे। और यहाँ पर आ जाएगा थर्सडे, राइट, बिकॉज थर्सडे ही बचा है। तो यहाँ पर जो मैंने पजल बनाया है उसमें मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखी है, बिकॉज और पजल जब आप लोग बनाते हो तो वो एक फ्लो में ही बनाना चाहिए, कि स्पीड में बनाना चाहिए, ताकि आप लोग जो रिलेटेड पॉइंट हैं वो आपके माइंड से निकले ना, उससे पहले आप लोग अपने पजल को सॉल्व कर दो, राइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, तो देख लेते हैं। यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवेन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट है पिंक फ्राइडे, देख लेते हैं यहाँ पे पिंक को क्या मिला है। यहाँ पे पिंक को मिला है मंडे, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे कट जाएगा। सेकंड है संडे ए, तो संडे को यहाँ पे डी मिला हुआ है, राइट, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है, इसको भी हम कट कर देंगे। आगे है संडे वाइट, तो चेक कर लेते हैं, संडे को यहाँ पे वाइट मिला हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर टू, कौन सा पर्सन है जो फ्लोर नंबर टू पे है। तो फ्लोर नंबर टू पे चेक कर लेते हैं, एफ है, एंड इसको येलो कलर की कार मिली है, एंड ये सैटरडे को टूर पे जाता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में हमारा, तो फर्स्ट नहीं होगा, बी, सेकंड भी नहीं होगा, पिंक कलर की कार है, एंड थर्ड इज द वन हु हैज येलो कार, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द कलर ऑफ ए इस कार, ए की कार का कलर क्या है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ए की कार का कलर क्या है, यहाँ पे ए की कार का कलर है रेड, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा होगा आंसर सी, रेड। तो लास्ट मैंने क्वेश्चन रखा है जो कि आज अलग टॉपिक पे है, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन पे नहीं है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके मेरे को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, और इसका आंसर जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दूंगी।
इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे गिवन है, तो आप यहाँ पर जाके इसे व्यू कर सकते हैं, फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।